हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल होम एंड मजमूर में। हम सब अपनी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि घर को साफ रखें, हाइजीनिक रखें, और आजकल तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हमारे कन्वेंशनल क्लीनिंग मेथड्स के अलावा कुछ और भी ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपने घर को और बेहतर तरीके से क्लीन, बैक्टीरिया एंड जर्म फ्री रख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ दो ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपकी लाइफस्टाइल को और बेहतर और हेल्दी बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है डाइसन V11 एब्सोल्यूट प्रो वैक्यूम क्लीनर। आप में से कुछ लोगों ने मुझे लिविंग रूम क्लीनिंग एंड रीसेंट वाले वीडियो में इस वैक्यूम क्लीनर का डिटेल वीडियो दिखाने के लिए कहा ही था, तो आज ये फाइनली मैं आपको दिखा रही हूँ डिटेल में। ये वैक्यूम क्लीनर कॉर्डलेस है, यानी इसमें कोई वायर नहीं है, और जो अभी आप देख रहे हैं ये है इसकी मेन बॉडी, और ये जो फ्रंट में हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पर अटैचमेंट्स लगाई जाती हैं एंड यहाँ पर डस्ट कलेक्ट होती है। और ये जो नीचे छोटा सा हैंडल है इसे आप पुश करेंगे तो आप इसके अंदर जमा हुआ कचरा अपने डस्टबिन में डाल सकते हैं। अगर आप इसे फर्दर क्लीन करना चाहते हैं तो इस तरह से ओपन करने के बाद यहाँ नीचे आप देखिए रेड कलर का बटन है, इसे प्रेस करें। जो राइट में मेरे हैंड में मशीन है इसमें पानी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये जो लेफ्ट हैंड में ये जो ऊपर की केसिंग है इसे आप वॉश कर सकते हैं, लेकिन टोटली ड्राई होने के बाद ही आप इसे वापस से मशीन पर लगाएं। वैक्यूम क्लीनर के बटन और हैंडल में एक सेपरेटर है। ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब हम मशीन को पकड़ते हैं तो गलती से बटन प्रेस ना हो जाए, इसके लिए ये सेपरेटर बहुत अच्छा काम करता है। तो जब आपको जस्ट ऑन करनी हो तभी एक अपनी उंगली ऊपर लेकर जाएं और बटन प्रेस करें, अदरवाइज नीचे रखें। नीचे इसकी बैटरी है, इसे चार्ज करने के लिए एक मोबाइल फ़ोन की तरह चार्जर दिया है जिसकी पिन यहाँ लगती है, लेकिन आपको चार्ज करने के लिए इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। इन केस आप एक्स्ट्रा बैटरी परचेज करते हैं और आपको बैटरी रिप्लेस करनी हो तभी आपको इसको निकालना पड़ेगा, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये थी इसकी मेन बॉडी। अब देखते हैं अटैचमेंट्स। ये है सॉफ्ट रोलर क्लीनर हेड। ये बड़ी अटैचमेंट्स में से एक है और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं यहाँ से वॉन्ड अटैच होती है मेन मशीन पे। और ये देखिए यहाँ पर इसकी जो नेक है, हाँ मैं इसे नेक बोल रही हूँ, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, तो यूज़ करते समय आप इसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं। ये जो अटैचमेंट है ये फ्लोर के लिए बहुत अच्छी है, तो फ्लोर की एक तरह से ये बफिंग भी करती है, यानी आपके फ्लोर को चमका भी देगी। पर ध्यान रहे ये केवल ड्राई क्लीनिंग के लिए है, यानी पानी वगैरह डाल के गीला करके इस वैक्यूम क्लीनर को यूज़ नहीं करना है। साथ ही में इसमें एजिटेशन इफेक्ट है। यहाँ आपको ये दो पिन दिख रही होंगी, तो ये जो पिन है जब वॉन्ड अटैच करते हैं तो इससे इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट होता है, यानी जो मेन मशीन है उसके अलावा इस अटैचमेंट में भी मोटर है, और जिससे आता है एजिटेशन इफेक्ट, यानी जैसे हम जो गद्दी होती है उसे लाठी से पीट कर उसमें से धूल निकालते हैं, वैसे ही ये रोलर भी वाइब्रेट होता है और जो भी आपका सरफेस है उससे अच्छे से डस्ट निकालता है, साथ ही में फ्लोर चमकाता है। नेक्स्ट बड़ी अटैचमेंट्स में से ये है टॉर्क ड्राइव। यहाँ पर भी देखिए इस हिस्से में जो मेन वॉन्ड है वो अटैच होती है, इसमें भी एजिटेशन इफेक्ट है, और साथ ही में ये देखिए इसकी जो नेक है ये और ज़्यादा रोटेट होती है, पूरी ट्विस्ट होती है। यहाँ पे जो आप रेड कलर का बटन देख रहे हैं इसे राइट, मिडिल या लेफ्ट में आप रख सकते हैं। इससे क्या डिफरेंस आता है ये मैं आपको इस अटैचमेंट को उल्टा करके दिखाती हूँ। तो जैसे आप इसे मूव करेंगे तो ये जो आप दो रेड बटन्स टाइप देख रहे हैं ये आपके फ्लोर को या तो टच होगा, हल्का सा ऊपर होगा, या फिर पूरा ऊपर होगा, यानी आपके फ्लोर और आपके इस अटैचमेंट के बीच में एक गैप रहेगी। अगर आपको लगता है कि क्लीनिंग के समय कुछ चीज़ें गिरी हुई हो सकती है, दाल या फिर कुछ मोटा, तो आप इसे थोड़ा गैप वाला रखें, अदरवाइज इसे पूरा फ्लोर टच रखें। यहाँ देखिए इसमें भी आपको पिंस नज़र आ रही है क्योंकि इस अटैचमेंट में भी मोटर है, तो सिर्फ मेन बॉडी में नहीं इसमें भी मोटर है, जिससे ये एजिटेशन इफेक्ट आता है, यानी रोलर जो है अच्छे से वाइब्रेट होता है, मूव होता है और सफाई अच्छी होती है। नेक्स्ट है ये मिनी मोटराइज टूल, तो ये भी एजिटेशन इफेक्ट वाला ही है, और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ से वॉन्ड अटैच होती है, ये मैंने अपने वीडियो में सोफा क्लीनिंग के लिए यूज़ किया था। इसमें भी रोलर ब्रश है, इसमें भी पिन है जिससे इस अटैचमेंट को भी पावर सप्लाई मिलता है और जो इसका एजिटेशन इफेक्ट है वो काम करता है। इसमें एक और चीज़ है, ये जो आप देख रहे हैं ये जो हिस्सा ऐसे मूव होता है, जब इसे सोफ़ा क्लीन करते हैं तो सोफ़ा जो होता है इसमें कई जगह पे कर्व होते हैं, अनइवन सरफेसेस होते हैं, तो इसके हिसाब से ये अटैचमेंट अपने आप को ढाल लेती है, तो काफ़ी यूज़फुल है ये अटैचमेंट भी, जस्ट लाइक अदर अटैचमेंट्स। ये वाली है सॉफ्ट डस्टिंग ब्रश,
जिसमें आप तो अब तक समझ ही गए होंगे कि जो रेड वाला हिस्सा है वहाँ से वॉन्ड अटैच होती है। इसके जो ब्रिसल्स है बहुत सॉफ्ट है, आप इसे नाजुक सरफेसेस पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप या फिर कुछ भी आपके पास नाजुक चीज़ें हों जिन्हें आप क्लीन करना चाहें। एंड हाँ, अब जो आगे मैं अटैचमेंट्स दिखा रही हूँ इनमें मोटर नहीं है। नेक्स्ट है ये कॉम्बिनेशन टूल। तो इसमें आप देख रहे हैं जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो बिना ब्रश का है और बटन प्रेस करके आप ब्रश को थोड़ा सा आगे ले जा सकते हैं। इस अटैचमेंट को आप काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं। आप इसे अपने विंडो ग्रिल के लिए यूज़ कर सकते हैं, चैनल के लिए कर सकते हैं, या फिर आपके टेबल वगैरह के जो ड्रॉअर्स होते हैं उनमें आप यूज़ कर सकते हैं। फर्दर आप इनमें एक होज अटैच कर सकते हैं फ्लेक्सिबल वाला, वो आगे मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। अगर आपकी चेयर्स वगैरह हैं जहाँ पर आपको छोटा अटैचमेंट चाहिए तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं चेयर्स की क्लीनिंग के लिए। नेक्स्ट है ये क्रेविस टूल, यानी जो छोटी छोटी प्लेसेस होती है ना, क्रेविसेस, वहाँ पर ये टूल आसानी से पहुँच जाएगा। आपकी विंडो के चैनल्स पर भी, सोफे के कॉर्नर्स पर भी, जहाँ पर भी छोटी स्पेस हो। नेक्स्ट है मैट्रेस टूल। इस अटैचमेंट से आप अपनी मैट्रेस यानी गद्दी क्लीन कर सकते हैं। तो एकदम अच्छे से ये डस्ट एंड बहुत यूज़ करने के बाद मैट्रेस पर डेड स्किन भी होती है, तो ये भी अच्छे से उसे क्लीन कर देता है। नेक्स्ट है ये अप टॉप अडैप्टर। तो इसे आप अपनी अटैचमेंट और मेन बॉडी के बीच में यूज़ करके जहाँ पर भी आप पहुँच नहीं पाते हैं, और जैसे कि लॉफ्ट है, मैं आगे वैसे आपको इसका डेमो दिखाऊंगी, ऐसी जगह पे आप इसके कर्व होने का इस्तेमाल करके आपकी अटैचमेंट को पहुँचा सकते हैं, जैसे कि लॉफ्ट या फिर फैन की ब्लेड्स। बहुत ही कमाल का ये अडैप्टर है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन होज। तो जो मैंने आपको पहले अटैचमेंट्स दिखाई है, छोटी वाली, सॉफ्ट वाला जो ब्रश है और कॉम्बिनेशन ब्रश है, या फिर क्रेविस टूल, आप इन सब के साथ इसे कंबाइन कर सकते हैं और आपके ड्रॉअर या फिर छोटी स्पेसेस में और फ्लेक्सिबिलिटी से पहुंचने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये वॉन्ड। तो वॉन्ड जो है अटैचमेंट्स और मेन मशीन के बीच का कनेक्टर है, लेकिन हाँ, सारी अटैचमेंट्स के लिए आपको वॉन्ड का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अटैचमेंट्स यानी छोटी वाली अटैचमेंट्स आप डायरेक्टली या फिर होज से कनेक्ट करके भी लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये कनेक्ट होता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगी इसका डॉकिंग स्टेशन, जिस पर आप वैक्यूम क्लीनर को दीवार पर टांग सकते हैं। तो उसी के साथ एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स टांगने के लिए यह है वॉन्ड स्टोरेज क्लिप। ये काफ़ी सॉफ्ट है, इसके एंड्स आपके वॉन्ड को ये डैमेज नहीं करेंगे, पेंट नहीं निकालेंगे, और इस छोटी सी क्लिप में आप छोटी वाली दो अटैचमेंट्स इस तरह से आसानी से स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये वॉल डॉक। आपने मेरे लिविंग रूम वाले वीडियो में देखा होगा, वहाँ पर मैंने दिखाया था कि इसे आप दीवार पर कील से लगा सकते हैं और इसमें जो वैक्यूम क्लीनर है इसे टांग सकते हैं। आपने देखा था कि वॉन्ड स्टोरेज क्लिप में भी आप दो अटैचमेंट्स लगा सकते हैं, साथ ही में दो और अटैचमेंट्स आप यहाँ पर भी टांग सकते हैं। और ये जहाँ मैंने उंगली से पॉइंट किया है, यहाँ से आप चार्जर की केबल बाहर निकाल सकते हैं, और ये जो अंदर आपको नॉच दिख रहा है इसमें आप वायर अटका सकते हैं और नीचे से उसे लेके आप अपने प्लग पॉइंट में लगा सकते हैं। इसका चार्जर मोबाइल चार्जर जितना ही है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। वैक्यूम क्लीनर में एक स्क्रीन डिस्प्ले भी है, जिसपे से आप बटन दबाकर इको, मीडियम या बूस्ट मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। बूस्ट सबसे स्ट्रांग है। लॉन्ग प्रेस करके रखिए, फिर आप ये दूसरे मेन्यू पर पहुंच जाएंगे जहां पर लैंग्वेज और अलर्ट्स का ऑप्शन है। लैंग्वेज पे फिर लॉन्ग प्रेस कीजिए, और यहाँ पे आप सिंगल सिंगल प्रेस करके आप लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हैं, और लॉन्ग प्रेस से आप लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी अप्लाई कर सकते हैं। सेम वे अलर्ट वाले ऑप्शन पे भी आप सिंगल सिंगल क्लिक से ऑप्शंस देख सकते हैं, और ऑन, ऑफ और एग्जिट में से जो आपको सिलेक्ट करना है उस पर लॉन्ग प्रेस करें। अब देख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। सबसे पहले सोफा। तो सोफा ही आपने देखा था मेरे पहले वाले वीडियो में, लिविंग रूम वाले वीडियो में और रीसेंट वीडियो में भी। तो ये छोटी वाली मोटर अटैचमेंट मैंने लगाई है, जिसका मैं यूज़ करने वाली हूँ सोफा क्लीनिंग के लिए। ये वैक्यूम क्लीनर काफ़ी अंदर से डर्ट को, डस्ट को खींच निकालता है। काफ़ी पावरफुल प्रोडक्ट है। डायसन ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले एक डस्ट रिसर्च किया था। अगर आप डस्ट रिसर्च के रिजल्ट्स देखने में इंटरेस्टेड है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। कन्वेंशनल जो मेथड्स होते हैं, डस्टिंग क्लॉथ या फिर ब्रश, उससे इतनी अच्छी डस्ट नहीं निकल पाती। पहले मैं वैसे ही करती थी, लेकिन उसके बाद भी जब मैंने पहली बार ये वैक्यूम क्लीनर यूज़ किया, बहुत डस्ट निकली। आपको हर मोड पे, जो आप मोड सेलेक्ट करते हैं, जब आप यूज़ करेंगे तो कितना टाइम बचा है उस पर्टिकुलर मोड में, ये आपको दिख जाएगा।
अब मैं नेक्स्ट लगा रही हूँ क्रेविस टूल, क्योंकि जो सोफ़ा है इसके जो छोटे छोटे स्पेसेस हैं, कॉर्नर्स हैं, वहाँ भी अच्छे से मैं पहुँच सकूँ इस वैक्यूम क्लीनर को लेके, इसलिए मैंने अटैचमेंट चेंज की है। ये देखिए कितनी सारी डस्ट इसमें जमा हो गई। कारपेट के लिए मैं लगा रही हूँ टॉर्क हेड। इससे पहले आपने देखा कि मैंने वॉन्ड का यूज़ नहीं किया था, मैंने अटैचमेंट डायरेक्टली मशीन में लगा दी थी, पर इस बार मैं वॉन्ड यूज़ कर रही हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि इस अटैचमेंट एजिटेशन मोड भी है, यानी अच्छे से पीट पीट के ये कारपेट से डस्ट निकाल लेता है। नेक्स्ट फ्लोर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सॉफ्ट रोलर हेड। बस ध्यान रहे कि फ्लोर पर पानी या फ्लोर गीला नहीं होना चाहिए। छोटे मोटे हल्के सूखे हुए दाग भी ये रोलर अच्छे से निकाल लेता है और फ्लोर को चमका देता है, बफ कर देता है। नेक्स्ट मैं अपने बेड का बेड बैक यानी हेड बोर्ड आपको क्लीन करके दिखाती हूँ। तो मैंने ये कॉम्बिनेशन टूल यहाँ पर लिया है, तो इसे डायरेक्टली भी लगा सकते हैं या फिर होज का भी यूज़ कर सकते हैं अगर छोटी छोटी स्पेसेस पर रीच करना हो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा जो बेड बैक है उसके बीच बीच में थोड़ा डिफिकल्ट टू रीच एरिया है, तो मैंने ये होज अटैच कर लिया है, तो इससे और अच्छे से मैं सफाई कर पा रही हूँ। नेक्स्ट है मैट्रेस क्लीनिंग टूल। मुझे लगता है मैट्रेस बहुत बार इग्नोर रह जाती है, लेकिन रेगुलर यूज़ के बाद उस पर भी डस्ट बैठती है, इनफैक्ट उस पर डेड स्किन भी हो सकती है। तो ये मैट्रेस क्लीनिंग टूल बहुत ही अच्छा मुझे लगा, बाकी के भी अच्छे ही हैं पर ये एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो मैट्रेस पर से भी बहुत अच्छे से डस्ट, डेड स्किन या जो भी उसमें है वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। विंडोज़ पर जो जाली होती है उसके लिए आप कॉम्बिनेशन टूल यूज़ कर सकते हैं, और जो चैनल्स होते हैं उसके लिए आप क्रेविस टूल यूज़ कर सकते हैं, और बूस्ट मोड पर ताकि बहुत अच्छे से सफाई हो जाए। और ये देखिए मैंने अप टॉप अडेप्टर यूज़ किया है, तो जो चीज़ें मेरे हाइट के हिसाब से ज़्यादा है वहाँ पर भी मैं पहुँच पा रही हूँ। वैसे मोस्टली वैक्यूम क्लीनिंग मेरे हस्बैंड ही कर लेते हैं, स्पेशली ऐसी जगहों की जहाँ पर थोड़ा हाथ ऊपर ले जाना पड़ता है। और ये देखिए कितनी सारी डस्ट निकल आई। अब नेक्स्ट है एयर प्योरीफायर। दिन ब दिन पोल्यूशन बढ़ रहा है और घर पर रहकर भी हम पोल्यूशन से सेफ नहीं रह सकते, इसलिए आजकल एयर प्योरीफायर्स का काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। और डाइसन हॉट एंड कूल एयर प्योरीफायर क्यों बेहतर है चलिए देखते हैं। ये देखिए इसके साथ ये रिमोट आया है, मुझे रिमोट बहुत ही प्यारा लगा। और ये देखिए ये इस प्योरीफायर के ऊपर ही चिपक जाता है, इसमें मैग्नेट है, बेस्ट चीज़ है, गुम ही नहीं होगा कभी रिमोट। ये देखिए इसे आप फ्रंट एंड बैक ऐसे टिल्ट भी कर सकते हैं, एंड यहाँ पर बटन है, आप चाहें तो इसे इमीडिएटली बटन को ऑन करके स्टार्ट या फिर स्टॉप कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम रिमोट, क्योंकि रिमोट भी आप यूज़ कर सकते हैं इसे शुरू करने के लिए और बंद करने के लिए। आप इस एयर प्योरीफायर में ऑसिलेशन एंगल्स सेट कर सकते हैं, यानी जो ये राइट टू लेफ्ट इसका पंखा घूमता है, ब्लेडलेस फैन, ये कितने एंगल्स पर घूमेगा। फिलहाल 45 डिग्री पर है, अब मैंने चेंज किया है रिमोट से इसे 90 पर। तो आपको इस एयर प्योरीफायर की जगह बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे जहां रखेंगे वहीं से आप पूरे रूम में इसके प्योरीफिकेशन का इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम ऑसिलेशन एंगल है 350 डिग्री, यानी ये प्योरीफायर अपनी जगह पर पूरा गोल घूम के आपके रूम को प्योरीफाई कर देगा। इसमें फ़ैन की भी मल्टीपल स्पीड है, तो अगर आप रिमोट देखेंगे तो वहाँ पर आपको फ़ैन की स्पीड का ऑप्शन दिखेगा, 1 से लेकर 10 के बीच में आप सेट कर सकते हैं। इसका 360 डिग्री फिल्टर जो कि नीचे इसमें प्लेस्ड है, ये चारों तरफ से एयर को यानी हवा को अपनी तरफ खींच कर उसे प्योरीफायर करके वापस से स्प्रेड करता है, और इस तरह से इसका एयर प्योरीफिकेशन काम करता है। ये एयर प्योरीफायर रियल टाइम में एयरबॉर्न पार्टिकल्स एंड गैसेस को मॉनिटर करता है और आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करके दिखाता है। ये प्योरीफायर हॉट एंड कोल्ड प्योरीफायर है, इसका मतलब आप इसमें टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस एयर प्योरीफायर में जो फैन है उसकी हवा अगर आपको डायरेक्टली फेस पर चाहिए तो आप फ्रंट में एयर फ्लो रखें या फिर आप पीछे भी इसे कर सकते हैं। साथ में इसमें टाइमर सेट करने के भी ऑप्शंस हैं, टाइमर आप ऑफ कर सकते हैं ताकि आप मैन्युअली ऑन ऑफ करें, या फिर आप नाइट मोड भी सेट कर सकते हैं रात के समय, और ऑटो मोड का भी इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके फिल्टर्स।
इस प्योरीफायर में दो टाइप के फिल्टर्स हैं, एक है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, तो ये गैसेस की प्योरिफिकेशन का काम करता है। नेक्स्ट है H13 ग्रेड ग्लास बोरोसिलिकेट हेपा फिल्टर, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी प्योरीफाई करता है एज स्मॉल एज 0.1 माइक्रोन। आई होप आपको आज की वीडियो में दिखाए गए दोनों प्रोडक्ट्स इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।